तो सबसे पहले कुछ मेन मेन पॉइंट्स जान लेते हैं कि कितनी किलोमीटर्स में सीमा है कितनी तटीय सीमा है तो भारत की कुल आ, सीमा रेखा की बात करें यानी कि अगर लैंड uh, बाउंड्री की बात करें टोटल तो वो फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर है यानी कि भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है किलोमीटर्स में तो फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर की सीमा रेखा है जो कि बानबे जिलों और सत्रह राज्यों से होकर गुजरती है यानी कि भारत की जो सीमा रेखा है वो बानबे जिलों और सत्रह राज्यों को साझा करती हुई गुजरती है अब भारत की तटीय सीमा की बात करें यानी कि इधर गुजरात से लेकर के तट प्रारंभ होता है और नीचे का जो किन प्लेटो वाला हिस्सा है और जो ये आपका पेनसुला है ये गुजरात से लेकर के यहाँ लगभग वेस्ट बंगाल तक की लगभग आता है तो ये जो तटीय सीमा है ये कितनी है तो ये सात हजार 516 किलोमीटर है यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से लेकर के पूरा वेस्ट बंगाल तक जाती है तो इसकी तटीय सीमा की बात करें तो 7516 किलोमीटर की ये तटीय सीमा है और ये नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है स्पर्श करती हुई गुजरती है यहाँ पे छूट गया है तो तटीय सीमा जो है वो सात हजार पांच सौ से सोलह किलोमीटर और अगर ओवरऑल बात करें भारत की तो पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है अब केवल प्रायद्वीपीय भारत की जो तटीय सीमा है ये ही सिर्फ इकसठ सौ किलोमीटर है बाकी ये जो ऊपर की तरफ और इधर ईस्ट की तरफ जो भी सीमा है उन सबको मिलाकर टोटल सात हज़ार पाँच सौ सोलह है लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत है जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी केवल इकसठ सौ किलोमीटर सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा है आगे बात करते हैं यहाँ हम देखते हैं भारत के पांच राज्य जो हैं वो ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को टच नहीं करते स्पर्श नहीं करते यानी कि ये जानने से पहले कि कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं सीमा रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को उससे उससे पहले हम ये जान ले कौन कौन से नहीं करते हैं स्पर्श अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्योंकि इससे जो है हमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी तो पांच राज्य हैं जो बिल्कुल भी किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करते हैं तो कौन कौन से राज्य राज हैं हरियाणा हरियाणा यहाँ पंजाब के नीचे जो है हरियाणा राज्य है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि ये लगभग बीच में है इसके आ नीचे राजस्थान है इसके ईस्ट में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है और नॉर्थ में चंडीगढ़ शिमला है इसलिए ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं कर पाता अब मध्य प्रदेश तो नाम से ही ये में है इसलिए इसको भी कोई देश जो है वो टच नहीं कर पाता है इस राज्य को और ये राज्य भी किसी भी देश के अंतरराष्ट्रीय तो एकदम बीचों बीच में है नेक्स्ट है तेलंगाना तेलंगाना जो है वो भी किसी भी राज्य को यहाँ देख रहे हैं पूरी इसकी बाउंड्री सिर्फ राज्यों से लगी हुई है भारत के और किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगी है उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ तो ये रहा झारखंड इसकी भी सीमा किसी भी अन्य देश से नहीं लगती है और ये छत्तीसगढ़ है इसकी भी सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है तो हरियाणा मध्य प्रदेश ये रहा हरियाणा मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इन पांच राज्यों की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच नहीं करती अब आगे बात करते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश तो कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं तो सबसे पहले एक बात कि भारत तो भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा है और त्रिपुरा के बारे में कहा गया है कि ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है तो तीनों बातों को हम मैप में समझते हैं तो सबसे पहले कहा गया है गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है तो यहाँ पर गुजरात स्टार्ट हुआ है देखिए तटीय किनारा है और यहाँ से शुरू होकर के ये अंदर की तरफ मुड़ती है और फिर वापस मुड़ती हुई नीचे से लेकर के थोड़ा किनारे तक महाराष्ट्र के ऊपर तक जो है ये गुजरात आता है तो अगर आप इसको सीधा करोगे इस लाइन को तो सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी रहेगी गुजरात की रहेगी उसके बाद दूसरी ईस्ट साइड में बात करें तो ये रहेगी आपकी साउथ में नीचे की तरफ साउथ में और ईस्ट डायरेक्शन में आंध्र प्रदेश की जो है वो सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो है तो ये आंध्र प्रदेश की हो गई और इधर गुजरात की हो गई तो पहले नंबर पर गुजरात की और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की अब त्रिपुरा की बात करें तो ये रहा त्रिपुरा और ये तीन तरफ से देखिए बांग्लादेश से घिरा हुआ है और फिर इधर मिजोरम और मणिपुर है दो साइड तो ये दो साइड छोड़ कर के तीन तरफ से जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है किसकी बात हो रही है यहाँ त्रिपुरा की बात हो रही है अब भारत के सात ऐसे देश हैं जो भारत की सीमा को साझा करते हैं यानी कि भारत की लैंड बाउंड्री को टच करते हैं तो भारत से लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले कितने देश हैं कुल तो सात देश हैं जो भारत से लैंड बाउंड्री थल सीमा को साझा करते हैं तो कौन कौन से हैं वो पाकिस्तान चीन नेपाल बांग्लादेश भूटान म्यांमार और अफग़ानिस्तान तो अब यहाँ पर हम छोटी सी ट्रिक लगाते हैं बचपन में एम बी ए जो है वो हमारे कंफर्टेबल के लिए लगा है इसका कोई यहाँ पर यूज़ नहीं है तो बचपन और एम बी ए ये दो वर्ड्स जो हैं इनसे ही हम याद करेंगे कि भारत के कौन से लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं तो यहाँ पर हम मैप uh, में देखते हैं इस बात को मैप में समझते हैं अब यहाँ देखिए मैप दिया गया है जिसमें बचपन में एम बी ए की हेल्प से हम पढ़ेंगे तो बचपन और एम बी ए इन दो वर्ड से जो है वो देशों के नाम हैं तो इनसे ही हम पढ़ेंगे याद करेंगे कि कौन कौन सी जो है लैंड बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज़ हैं तो पहले ब बा यानी कि बांग्लादेश तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब से बांग्लादेश जो है वो इंडिया की लैंड बाउंड्री को शेयर करता है ईस्ट में तो ये रहा ब से बांग्लादेश अब च से चाइना चाइना जो कि नॉर्थ ईस्ट में है तो चाइना जो है वो भी लैंड बाउंड्री शेयर करता है अब से पाकिस्तान तो पाकिस्तान ये रहा पाकिस्तान जो इंडिया से ही अलग होकर बना हुआ है तो ये पाकिस्तान जो है वो इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर करता है अब न से नेपाल तो ये रहा नेपाल इसके ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में ये रहा नेपाल नेपाल न से नेपाल तो ब बा से बांग्लादेश च से चाइना चीन प पा से पाकिस्तान और न से नेपाल अब एम बी ए की बात करेंगे तो एम से म्यांमार तो यहाँ आप देख रहे होंगे बर्मा इसका पुराना नाम है म्यांमार का तो म्यांमार जो है गिरा और म्यांमार भी इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है यहाँ आप देख रहे हैं जो ईस्ट वाले जितने भी राज्य हैं इधर ये सब इंडिया से बर्मा म्यांमार जो है वो लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है तो म से म्यांमार बी की बात करें तो बी से भूटान तो ये रहा भूटान जो इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है सिक्किम के जस्ट बगल में ये रहा सिक्किम और इससे जस्ट बगल में भूटान तो बी से भूटान और ए से अफ़ग़ानिस्तान जो बहुत ही कम 106 किलोमीटर की मात्र लैंड बाउंड्री शेयर करता है तो ये रहा अफ़ग़ानिस्तान जो इंडिया से बाउंड्री शेयर करता है तो ये जो ट्रिक है बचपन एम इसे आप याद रख सकते हैं बा से बांग्लादेश चार से चीन प पा से पाकिस्तान न से नेपाल फिर एम तो म से म्यांमार बी से भूटान और ए से अफग़ानिस्तान अब इसके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश यानी कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है तो चार हज़ार किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश भारत के साथ शेयर करता है कौन कौन से राज्य टच करते हैं बांग्लादेश को तो असम पश्चिम बंगाल मिजोरम मेघालय और त्रिपुरा ये राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं सबसे छोटी अभी हमने सबसे लंबी बात की बांग्लादेश जो चार हजार छियानबे किलोमीटर है अब सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश से लगती है तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है मात्र एक किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया से शेयर करता है अब आ, जो लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं उनकी संख्या सात है और दो और पड़ोसी देश इसमें जोड़ देते हैं तो लगभग मेजर जो हैं वो नौ राज्य हैं जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं तो सात तो हमने पढ़ लिए बचपन एम की हेल्प से दो और कौन कौन से हैं जो भारत से तटीय सीमा साझा करते हैं तो श्रीलंका और मालदीव ये भारत से तटीय सीमा शेयर करते हैं ये रहा मालदीव और ये रहा श्रीलंका ये क्या है जो भारत का तटीय एरिया है यहाँ पर ये तटीय एरिया है भारत का तो या इससे जो है श्रीलंका और मालदीव आपस में इंडिया से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि नेबरिंग कंट्रीज़ और लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले दोनों बातों में डिफरेंस है जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं उन देशों की संख्या कितनी है तो सात देश हैं और अगर हम बात करें कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं तो ऐसे तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन मेजर बात करें तो नौ जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं भारत की जिनमें से सात पड़ोसी देश वाली सात लैंड बाउंड्री वाली ही हैं और दो और मालदीव श्रीलंका ये सब मिला कर के कुल नौ पड़ोसी देश हैं भारत के अब आ, बात करते हैं आ, कुछ फैक्ट्स की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं तो पाक जलडमरू यानी कि जो आपका श्रीलंका है ये देखिए श्रीलंका जो है और इंडिया इसके बीच में एक पाक स्ट्रेट है है ना जो पूरी तरह से तट में जलमग्न है, तटीय एरिया में तो पाक जलडमरू जो है वो भारत और श्रीलंका को आपस में अलग करते हैं। पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू या फिर पाक जलसंधि भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी जो है वो श्रीलंका और भारत को एक दूसरे से अलग करते हैं अब भारत और चीन के बीच में जो रेखा है जिससे दोनों को अलग किया जाता है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है और ये रेखा कब बनी थी तो 1914 में शिमला समझौते में इस रेखा का निर्धारण किया गया था मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है तो भारत और चीन के बीच में मैक मान लीजिए चाइना का है और मोहन इंडिया का है इस तरीके से आप कुछ भी थोड़ी सी ट्रिक लगा करके आप याद रख सकते हैं अब 1886 जो है 1886 में सर डूरन ने निश्चित किया था भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा जिसका नाम रखा गया डूर रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है डूरड लाइन है लेकिन अब ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में ना होकर के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है क्योंकि जब अठारह में ये डिविजन किया गया था जब डूरन लाइन बनाई गई थी तो आ, पाकिस्तान नहीं था वो भारत ही था तो पहले भारत और पाकिस्तान में थी लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो अब ये लाइन कहाँ है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन है भारत और चाइना के बीच मैकमोहन अफगानिस्तान और भारत के बीच जिसे डूरन रेखा कहा जाता था अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है और अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है तो रेड क्लीफ लाइन है और रेड क्लीफ लाइन का निर्धारण पंद्रह अगस्त उन्नीस को हुआ था और इसको निर्धारण किसने किया था तो सिरिल रेड क्लिफ ने किया था आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं चाहे वो बैंकिंग के हो एसएससी के हों या किसी कोई भी टीचिंग एग्जाम हो या फिर आ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उन सभी में भारत uh, से रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जिसमें से ये क्वेश्चन जो है लगभग इससे दो तीन क्वेश्चन तो कंपलसरी होते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें ऐसी ही वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर थैंक यू